Swayam Prabha, Digital India, Educated India. मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली पीठ दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय गया इस पाठ्यक्रम का शीर्षक है विधि श्रम एवं औद्योगिक विधि भागवान और इस श्रम एवं औद्योगिक विधि भागवान में आज व्याख्यान चार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ व्याख्यान चार है औद्योगिक विवाद का अर्थ एवं प्रकृति और इसको मैंने दो भागों में बांटा हुआ है एक भाग इस व्याख्यान के पश्चात पूरा किया जाएगा व्याख्यान का उद्देश्य औद्योगिक विवाद के अर्थ और परिभाषा को समझना औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत यह शब्द औद्योगिक विवाद अपने आप में एक विवादास्पद शब्द रहा हुआ है क्योंकि कोई भी विवाद जब तक वो औद्योगिक विवाद नहीं होगा तब तक उस पर औद्योगिक अधिनियम उन्नीस लागू नहीं होगा तो एक यक्ष प्रश्न यह होता है कि कौन सा विवाद औद्योगिक विवाद है और कौन सा विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है नियोक्ता का अप्रोच हमेशा यह रहता है कि किसी विवाद को औद्योगिक विवाद न ठहराया जाए जिससे कि उसको औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस की जो एप्लीकेबिलिटी है उससे मुक्ति मिल सके दूसरी तरफ अगर कर्मकारों के हितों का ध्यान रखा जाए तो इस इस शब्द का एक विस्तृत अर्थान्वयन होना चाहिए जिससे इस इस परिभाषा में अधिकतम कामगारों को शामिल किया जा सके इसके पश्चात इस व्याख्यान का उद्देश्य है औद्योगिक विवादों के तथ्य को जानना तत्पश्चात औद्योगिक विवादों के पक्षकार को जानना और उसके बाद औद्योगिक विवादों के विषय को समझना और अंत में औद्योगिक विवादों की उत्पत्ति पर विभिन्न मत को समझना जहाँ तक व्याख्यान चार की बात है हम औद्योगिक विवादों की उत्पत्ति पर एक एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे और अगले व्याख्यान पांच में हम उस पर विस्तृत चर्चा करने के बाद औद्योगिक विवाद की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे औद्योगिक विवाद क्या होता है औद्योगिक विवाद और क्यों औद्योगिक विवाद को निपटारा किया जाने की आवश्यकता है औद्योगिक विवाद का निपटारा किया जाने की आवश्यकता है पहले हम पृष्ठभूमि में समझ लें औद्योगिक विवाद संभवतः नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कार्य स्थिति से उत्पन्न संबंध का परिणाम है अगर नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी का नियोजन नहीं होगा और वहाँ पर एक स्थिति प्रारंभ नहीं होगी तो वहां पर औद्योगिक विवाद होने की संभावना नहीं होगी तो औद्योगिक विवाद के पृष्ठभूमि में औद्योगिक संबंध जो कि नियोक्ता और कर्मकार के बीच का संबंध है होना अपरिहार्य है हम सभी जानते हैं कि नियोक्ता और कर्मचारी का आर्थिक हित उन्हें एक साथ लाता है ये दो ऐसे समूह हैं ये दो ऐसे पक्ष हैं जिनका हित एक दूसरे के विपरीत होता है और हमेशा इनके हितों में टकराव होता है लेकिन दोनों के लिए एक जो सामान्य हित है वह उनका आर्थिक हित है और इसी आर्थिक हित के लिए नियोक्ता एक उद्योग स्थापित करता है प्रारंभ करता है और अपने आर्थिक हित और आर्थिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी उसका नियोजन स्वीकार करके उस उद्योग में कार्य करने को तैयार होता तो जो आर्थिक है हित है यह एक इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण विषय है जो इन लोगों को एक साथ लाता है तत्पश्चात जब हम आर्थिक हित की बात करते हैं तो चाहे नियोक्ता हो या फिर कर्मकार हो दोनों का आर्थिक हित उस उद्योग में उत्पादन पर निर्भर करता है जितना ज्यादा उत्पादन होगा जितना ज्यादा लाभ होगा दोनों का आर्थिक हित उतना ज्यादा सुरक्षित किया जा सकेगा तो उत्पादन आ, उद्योग में उत्पादन एक एक आवश्यकता है इस विवाद के पृष्ठभूमि में इसके पश्चात हम ये भी जानते हैं कि नियोक्ता और कर्मकार कर्मचारी या वर्कर जो भी आप शब्द करें इनके बीच एक समायोजन की प्रक्रिया होती है और ये समायोजन की प्रक्रिया है साथ रहने और उत्पादन करने की हम सभी जानते हैं उद्योग स्थापित करने में जो नियोक्ता होता है जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ये अपनी पूंजी का निवेश करते हैं और जो कर्मकार और कर्मचारी होते हैं ये अपने श्रम का निवेश करते हैं और कोई भी उत्पादन इन दोनों निवेश का परिणाम होता है ये दो निवेश एक दूसरे के विपरीत हैं एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी ये दोनों निवेश एक साथ आते हैं और वो एक साथ आने का उनका उद्देश्य होता है उत्पादन को सुनिश्चित करना और इस इस प्रक्रिया में नियोक्ता और कर्मकार एक दूसरे से समायोजन करते हैं और समायोजन के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा देते हैं हेनरी रिचर्डसन के अनुसार औद्योगिक संबंध उत्पादन के प्रयोजनों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी के एक साथ रहने की रहने की कला है जो उत्पादन है उस उत्पादन के प्रयोजन के लिए नियोक्ता और कर्मचारी एक साथ आते हैं दोनों मिलकर के उस उत्पादन को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं नियोक्ता और कर्मचारी के बीच औद्योगिक विवाद एक एक अपरिहार्य दशा है हम सभी जानते हैं कि इनका सामान्य उद्देश्य आर्थिक हित है लेकिन इसके अतिरिक्त इन दोनों के हितों में सामान्यतः टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है जब भी नियोक्ता और कर्मचारी के आपसी हितों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी तो ऐसी स्थिति में उस उद्योग में उत्पादन प्रभावित होगा और अगर उत्पादन एक लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो अंततः नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के आर्थिक हितों को हानि पहुंचेगी। ऐसे में जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है हितों के टकराव के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निपटारा किया जाना बहुत ही आवश्यक है यथाशीघ्र विवाद का निपटारा किया जाना उस उद्योग के लिए नियोक्ता के लिए कर्मचारी के लिए और अंततः समाज में जो उपभोक्ता है सभी के लिए हितकर होगा ऐसे में अब यहाँ पर राज्य की भूमिका आ, सामने आती है जब भी नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में विवाद होगा तो संकल्पना तो ये विकसित हुई है कि अगर इस विवाद को निपटाने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी आपस में मिल के एक समाधान ढूंढने का प्रयास करें और समाधान ढूंढें, तो वह एक आदर्श समाधान होगा और इसी आदर्श समाधान को ढूंढने के लिए कर्मचारियों को सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार मिला हुआ है जिसके माध्यम से वो अपने नियोक्ता से संपर्क करके अपनी बातों को उनके समक्ष रख करके और विवाद का निपटारा करने का प्रयास करते अन्यथा होता यह है कि नियोक्ता जिसकी प्रास्थिति बहुत उच्च प्रकृति की है दूसरी तरफ कर्मचारी जिसके परिस्थिति थोड़ी निम्न प्रकृति की है ऐसे में एक दूसरे के साथ बैठ कर के किसी विवाद का निपटारा करें ये असंभव सा प्रतीत होता है और अगर ऐसा है तो ऐसे स्थिति में राज्य की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है राज्य का यह परम दायित्व है कि जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में तो ऐसे विवाद का निपटारा करने का प्रयास करे और उस उस निपटारे के लिए भारत में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 पारित किया गया है जिसके माध्यम से राज्य ने ढेर सारे उपबंधों को यहाँ पर आ, आ, समाहित किया हुआ है जिसका उद्देश्य औद्योगिक विवाद का निपटारा करना है राज्य को औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए प्रेरक प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है राज्य के यह परम दायित्व है कि औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए आगे बढ़े औद्योगिक विवाद का अर्थ वह कौन सा विवाद है जो औद्योगिक विवाद कहा जाता है क्या सारे विवाद औद्योगिक विवाद हैं क्या एक औद्योगिक विवाद हमेशा और हमेशा किसी उद्योग संदर के संदर्भ में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में ही होता है इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमको औद्योगिक विवाद का जो परिभाषा है इस शब्द की जो परिभाषा विकसित हुई है समय के साथ उस पर ध्यान देना पड़ेगा सामान्यतः यह माना जाता है कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का विवाद औद्योगिक विवाद है अब यहाँ पर एक एक, एक जो प्रश्न है वह यह है कि किस तरह का विवाद औद्योगिक विवाद होगा या फिर किस संदर्भ का विवाद औद्योगिक विवाद होगा तो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का हर विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है नियोक्ता और कर्मचारी के बीच केवल वही विवाद औद्योगिक विवाद होगा जो उस उद्योग से संबंधित होगा उस उद्योग की परिस्थितियों और नियमों से संबंधित होगा इसलिए इस संदर्भ में हमको औद्योगिक विवाद के की परिभाषा को समझना आवश्यक है औद्योगिक विवाद जैसा मैंने कहा कि हमेशा और हमेशा उद्योग से जुड़ा हुआ एक विवाद है जुड़ा हुआ ये उद्योग से है लेकिन ये एक नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का विवाद है औद्योगिक विवाद नियोक्ता और श्रमिकों के बीच विवाद है तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ दो पक्षकार हैं एक नियोक्ता एम्प्लॉयर दूसरा श्रमिक है श्रमिक की जगह अगर आप कर्मचारी या कर्मकार शब्द यूज करें तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी के बीच का एक ये विवाद है जो जुड़ा हुआ है रोजगार के मामले से गैर रोजगार के मामले से रोजगार की शर्तों से या किसी भी व्यक्ति के श्रम की शर्तों से तो ऐसा कोई विवाद जो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का विवाद है और यह विवाद रोजगार या गैर रोजगार से संबंधित है या फिर रोजगार की शर्तों या किसी व्यक्ति के श्रम की शर्तों के साथ जुड़ा हुआ है इसे हम औद्योगिक विवाद कहते हैं अगर किसी अन्य प्रकार का विवाद एम्प्लॉयर और नियोक्ता के बीच में है जो कि रोजगार या गैर रोजगार या फिर रोजगार की शर्तों या फिर श्रम की शर्तों से संबंधित नहीं है तो ऐसे विवाद को औद्योगिक विवाद कह पाना कठिन होगा और औद्योगिक और विवाद शब्द की सर्वप्रथम परिभाषा अंग्रेजी औद्योगिक न्यायालय अधिनियम 1906 में पहली बार दी गई थी और इस शब्द की परिभाषा उपयुक्त परिभाषा से के के समान थी जिसका तात्पर्य यह था कि औद्योगिक विवाद नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का विवाद है जो जुड़ा हुआ है रोजगार गैर रोजगार रोजगार की शर्तें या फिर किसी व्यक्ति के श्रम की शर्तों के साथ भारत में सर्वप्रथम जो औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए पहली बार जो भारत में विधि बनाई गई वो विधि थी उन्नीस में बनाई गई विधि व्यापार विवाद अधिनियम और इस व्यापार विवाद अधिनियम में व्यापार विवाद शब्द को परिभाषित किया गया था वहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट शब्द था वहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट शब्द नहीं था ट्रेड और इंडस्ट्री दो अलग शब्द हैं दोनों का अलग अर्थ है तो शुरुआत में भारत में औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस में सॉरी व्यापार विवाद अधिनियम उन्नीस में व्यापार विवाद शब्द को इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया था और इसे परिभाषित किया गया था इस अधिनियम की धारा 2 जे के अनुसार व्यापार विवाद निम्नलिखित के बीच कोई विवाद या मतभेद है यहाँ दो शब्द हैं विवाद या फिर मतभेद यहाँ पर कोई डिस्प्यूट हो सकता है यहाँ पर कोई डिफरेंस हो सकता है यह डिफरेंस यह डिस्प्यूट नियोक्ता और कर्मकार कर्म आ, कामगार और या फिर कामगार और कामगार के बीच में हो सकता है तो कोई भी विवाद जो व्यापार से संबंधित है जो नियोक्ता और कामगार के बीच में है वह आपका व्यापार विवाद है साथ ही साथ कामगार और कामगार के बीच का को कोई विवाद जो कि व्यापार से जुड़ा हुआ है इसको भी व्यापार विवाद की श्रेणी में उसके परिभाषा में सम्मिलित किया गया था इसके बाद यह परिभाषा यह भी कहती है कि यह विवाद या मतभेद जुड़ा हुआ होना चाहिए रोजगार से या गैर रोजगार से या रोजगार की शर्तों से या फिर किसी भी व्यक्ति के श्रम की शर्तों से अगर इस परिभाषा को आप ध्यान से देखें तो व्यापार अधिनियम उन्नीस में दी गई परिभाषा व्यापार विवाद शब्द की परिभाषा अंग्रेजी औद्योगिक न्यायालय अधिनियम 1906 में दिए गए व्यापार विवाद की परिभाषा के समान है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में यह परिभाषा अंग्रेजी सिस्टम से लाया गया था उपरोक्त परिभाषा औद्योगिक न्यायालय अधिनियम 1919 से ली गई थी बाद में जैसा हम जानते हैं कि भारत में रॉयल कमीशन ऑफ लेबर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इस रॉयल कमीशन ऑफ लेबर का आ, आ, जो जो संस्तुति था वो संस्तुति भारत में उद्योगों में कर्मगार की प्रास्थिति को लेकर के था और रॉयल कमीशन ऑफ लेबर ने विवाद व्यापार विवाद शब्द की परिभाषा का दायरा इसका स्कोप बढ़ाने का एक सुझाव दिया था सामान्यतः तो देखा यह जाता है कि कोई भी विवाद अगर औद्योगिक विवाद है तभी यह औद्योगिक विवाद अधिनियम में निपटारी निपटारित किया जाता है अगर प्रारंभ में ही यह स्थापित कर दिया जाए कि विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है तब यहाँ पर औद्योगिक विधियों का लागू होना आ, कठिन होगा और ऐसे में जो कर्मचारी या कामगार होंगे इनको कोई उचित संरक्षण नहीं मिल पाएगा तो रॉयल कमीशन ऑफ लेबर ने परिभाषा का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया और इसको ध्यान में रखते हुए 1938 में व्यापार विवाद संशोधन अधिनियम की परिभाषा को संशोधित किया गया और यह संशोधन पहले इसमें नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवादों को शामिल करने के लिए व्यापार विवाद को परिभाषित किया गया नियोक्ता और कर्मचारी दो शब्द हैं कर्मचारी और कामगार अगर हम एम्प्लॉ कहें अगर हम वर्कर कहें तो सारे वर्कर एम्प्लॉई हैं लेकिन सारे एम्प्लॉई वर्कर नहीं हैं तो अगर हम एम्प्लॉय शब्द का यूज़ करते हैं अगर हम कर्मचारी शब्द का यूज़ करते हैं तो यह व्यापक होगा और इसमें किसी भी एम्प्लॉई चाहे वो वर्कर है या वर्कर नहीं है उसका उसके नियोक्ता के साथ जो भी विवाद हो रहा है इस विवाद के परिभाषा में कवर हो जाएगा अगर हम इस इस परिभाषा को केवल कामगार तक ही सीमित रखते हैं तो ढेर सारे कर्मचारी ऐसे होंगे जो कामगार की परिभाषा में नहीं आते हैं और ऐसे में उन लोगों को औद्योगिक विवाद अधिनियम का कोई संरक्षण नहीं मिल पाएगा तो रॉयल कमीशन ऑफ लेबर का ये कि ये संस्तुति थी कि परिभाषा का दायरा बढ़ाया जाए और कामगार के जगह कर्मचारी शब्द का यूज किया जाए इसने पिछली परिभाषा में नियोक्ता और उसके किसी कामगार के बीच होने वाले विवाद सबको हटा दिया और यह संस्तुति दी कि कि नियोक्ता और उसके किसी कर्मचारी के बीच के विवाद को व्यापार विवाद माना जाए यह संशोधित परिभाषा आगे चल के जब उन्नीस में भारत में एक नया कानून बना जिसका नाम है औद्योगिक विवाद अधिनियम और वर्तमान में यह औद्योगिक विवाद अधिनियम ही वह प्रमुख आ, कानून है जिसके माध्यम से औद्योगिक विवादों का निपटारा किया जाता है अभी हाल ही में 2020 में औद्योगिक संबंध संहिता पास किया गया है भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा लेकिन यह संहिता अभी लागू नहीं हुई है तो जब यह संहिता लागू हो जाएगी आने वाले समय में जब भी यह संहिता लागू हो जाएगी तो यह औद्योगिक विवाद अधिनियम को प्रतिस्थापित कर देगा लेकिन वर्तमान में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ही वह प्रमुख लेजिस्लेशन है जिसके माध्यम से औद्योगिक विवादों का निपटारा किया जाता है और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में औद्योगिक विवाद शब्द को परिभाषित किया गया है और यह परिभाषा इस, इस अधिनियम की सबसे एक कंट्रोवर्शियल परिभाषा रही हुई है और इस पे भारत में न्यायालयों के द्वारा विधिशास्त्र का विकास किया गया है और आज के समय में यह कह पाना बहुत आसान है कि कौन सा विवाद औद्योगिक विवाद है कौन सा विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है तो न्यायालयों के निर्णय के माध्यम से औद्योगिक विवाद की परिभाषा को देखने का प्रयास हम बाद में करेंगे पहले हम औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा टू क में परिभाषित औद्योगिक विवाद शब्द को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं धारा टू क के अनुसार औद्योगिक विवाद का तात्पर्य ऐसे विवाद या मतभेद से है जैसा मैंने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में जो परिभाषा औद्योगिक विवाद का है यह परिभाषा इसके पहले के व्यापार आ, विवाद अधिनियम 1926 और उसके 1938 में संशोधन के द्वारा ही लाया गया है तो ये उसी से मिलता जुलता एक परिभाषा है औद्योगिक विवाद का तात्पर्य ऐसे विवाद या मतभेद से है, जो नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच नियोक्ताओं और कामगारों के बीच या फिर कामगारों और कामगारों के बीच है अगर हम पक्षकार की बात करें यहाँ जो परिभाषा का जो पहला भाग औद्योगिक विवाद के पक्षकारों पर केंद्रित करता है औद्योगिक विवाद का पक्षकार कौन है औद्योगिक विवाद एक विवाद नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच में भी हो सकता है यह नियोक्ताओं और कामगारों के बीच में भी हो सकता है यह कामगारों और कामगारों के बीच में भी हो सकता यह आवश्यकता है कि यह विवाद या मतभेद जुड़ा होना चाहिए रोजगार से गैर रोजगार से रोजगार की शर्तों से या फिर किसी व्यक्ति के श्रम की शर्तों से अगर आप रोजगार की बात करें तो नियोक्ता और नियोक्ता के बीच रोजगार से संबंधित विवाद कैसे उत्पन्न हो सकता है अगर उदाहरण के रूप में हम देखें कि कोई नियोक्ता अपने उद्योग में नियोजन प्रदान करने के लिए एक न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है और उस योग्यता के आधार पर कर्मचारियों का नियोजन करता है दूसरी तरफ उसी तरह के उद्योग में दूसरा नियोक्ता उस उस न्यूनतम योग्यता को नहीं मानता है या फिर उच्च योग्यता को मानता है और उसके आधार पर नियोजन देता है या फिर दोनों उद्योगों में जो श्रम का मूल श्रम की कीमत को निर्धारित किया गया है वो अलग अलग है तो ऐसे में दोनों नियोक्ताओं के बीच में एक विवाद उत्पन्न हो सकता है कि जो शैक्षणिक योग्यता जो न्यूनतम योग्यता रखी जा रही है या फिर जो श्रम की कीमत रखी जा रही है वो गलत है दो अलग अलग उद्योगों में जो कि एक ही प्रकृति के हैं अलग अलग मानक को फॉलो करना शायद समस्या प्रदान करेगी इसी तरह से कोई भी विवाद नियोक्ता और कर्म कामगारों के बीच में विवाद हो सकता है अगर नियोक्ता ने किसी कामगार को नियोजन पर रखा और किसी शर्तों के उल्लंघन के कारण उसको नियोजन से हटा रहा है तो नियोजन से हटने के बाद वो एक गैर रोजगार कामगार होगा उसके पास इम्प्लॉयमेंट नहीं होगा वह अनएम्प्लॉयड होगा और उसका अनएम्प्लॉयमेंट चूँकि शर्तों के अधीन हुआ है लेकिन कामगार उसको चुनौती देता है तो ऐसे में जो विवाद उत्पन्न होगा वो गैर रोजगार को लेकर के होगा या फिर इसी तरह से जो श्रम की शर्तें हैं या फिर रोजगार की शर्तें हैं इससे संबंधित विवाद भी आप नियोक्ता और कामगार के बीच में देख सकते हैं उपरोक्त परिभाषा जो धारा टू क में दी गई है औद्योगिक विवाद के निम्नलिखित आयाम निर्धारित करती है पहला है इसमें औद्योगिक संबंधों में सामुदायिक हस्तक्षेप और दूसरा है औद्योगिक श्रम गतिविधि परिभाषा के ये दो विस्तृत आयाम दो अलग अलग परिप्रेक्षों को ध्यान में केंद्रित रख रहे हैं एक है औद्योगिक संबंधों में सामुदायिक हस्तक्षेप जो औद्योगिक संबंध निर्धारित किया गया है नियोक्ता और कामगार के बीच वह संबंध आधारित है जो 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 नियोक्ता और कामगार के बीच में समझौता हुआ है जो नियोजन का समझौता हुआ है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसी के बेसिस पर उनके बीच में शर्तों को निर्धारित किया जाता है अगर उन शर्तों को के साथ हस्तक्षेप किया जाए उसे प्रभावित किया जाता है तब ऐसे में जो औद्योगिक संबंध है वो प्रभावित होगा और इस तरह से एक औद्योगिक विवाद का प्रारूप देखने को मिलेगा दूसरी तरफ जो औद्योगिक श्रम गतिविधि है उस श्रम गतिविधि को भी सामान्यतः जो जो नियोजन का समझौता है नियोजन का अनुबंध है उसके माध्यम से आगे बढ़ना है लेकिन अगर उस उस अनुबंध का पालन न किया जाए उसे न माना जाए तो ऐसे में औद्योगिक श्रम गतिविधि जो है उस नियोजन के अनुबंध के अनुरूप नहीं होगी और औद्योगिक विवाद का एक नया आयाम पैदा होगा उपरोक्त परिभाषा की दो सीमाएं हैं एक औद्योगिक विवाद उद्योग से जुड़ा विवाद है और दूसरा सभी प्रकार के विवाद या मतभेद औद्योगिक विवाद नहीं औद्योगिक विवाद उद्योग से जुड़ा विवाद है इसका तात्पर्य यह होता है कि जो भी विवाद उत्पन्न हो रहा है नियोक्ता और कर्मचारी के बीच वो उद्योग के संदर्भ में है अब वहाँ पर रोजगार है रोजगार है रोजगार की शर्तें हैं या फिर श्रम की शर्तें हैं इसी के संदर्भ में यह उत्पन्न हो रहा है अगर कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होता है जो कि रोजगार गैर रोजगार श्रम की शर्तों या फिर रोजगार की शर्तों से संबंधित नहीं है तो ऐसे में इस विवाद को औद्योगिक विवाद कहना कठिन होगा यह विवाद उद्योग से जुड़ा हुआ विवाद नहीं है दूसरी तरफ सभी प्रकार के विवाद या मतभेद औद्योगिक विवाद नहीं है जितने भी डिफरेंसेज हैं जितने भी डिस्प्यूट हैं कर्मचारियों का कर्मचारियों के बीच एम्प्लॉयर employer का एम्प्लॉयर्स के बीच एम्प्लॉयर का कर्मचारी के बीच वो सभी औद्योगिक विवाद हों यह आवश्यक नहीं है सभी प्रकार के विवाद या मतभेद औद्योगिक विवाद नहीं है सामान्यतः प्रश्न ये उठता है कि कौन से विवाद औद्योगिक विवाद हैं और कौन से विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है औद्योगिक विधि में हम सामान्यतः उन विवादों के निपटारा करने की बात करेंगे जो औद्योगिक विवाद है अगर वह औद्योगिक विवाद नहीं है तो ऐसे विवादों के लिए औद्योगिक विधि का कोई औचित्य नहीं है अगर हम उद्योग औद्योगिक विवाद की परिभाषा का विश्लेषण करें तो ऐसे में विश्लेषण करने के बाद हमें चार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा ये चार बिंदु हैं औद्योगिक विवाद का तथ्य औद्योगिक विवादों के पक्षकार औद्योगिक विवादों का विषय और औद्योगिक विवादों की उत्पत्ति वह कौन से तथ्य हैं जो औद्योगिक औद्योगिक विवाद के को जन्म देते हैं औद्योगिक विवाद के पक्षकार कौन कौन से हैं और औद्योगिक विवाद का विषय क्या है तथा साथ ही साथ औद्योगिक विवाद की उत्पत्ति कहां से हो रही है औद्योगिक विवादों का तथ्य किसी विवाद या मतभेद का अस्तित्व औद्योगिक विवादों का वह तथ्य है वह अस्तित्व है जिसके आधार पर हम यह आसानी से कह पाते हैं कि औद्योगिक विवाद है या नहीं है विवाद या मतभेद की जो अभिव्यक्ति पक्षकारों के बीच वास्तविक और पर्याप्त मतभेद की बात करती है इसका सामान्य सात्पर्य सा यह हुआ कि औद्योगिक विवाद अस्तित्व में हो वो जो मतभेद है या फिर जो 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 आ, आ, विवाद है वह मतभेद और विवाद अस्तित्व में हो मतभेद उपक्रम या समुदाय की औद्योगिक शांति को खतरे में डालता है मैंने प्रारंभ में यही कहा कि जब भी किसी उद्योग में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कर्मचारी और कर्मचारी के बीच या फिर नियोक्ता और नियोक्ता के बीच में अगर कोई विवाद होगा कोई मतभेद होगा तो वह विवाद और मतभेद उस उद्योग की शांति व्यवस्था को भंग करेगा और 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 जहाँ तक दोनों के हितों की बात है उत्पादन को प्रभावित करके यह दोनों के आर्थिक हितों को भी प्रभावित करेगा जब मतभेद रोजगार गैर रोजगार या रोजगार की शर्तों या किसी व्यक्ति के श्रम की शर्तों के साथ जुड़ा होता है तो यह एक औद्योगिक विवाद का स्वरूप लेता है तो औद्योगिक विवाद के अस्तित्व में आने के लिए वह जो विवाद और मतभेद हैं उन विवाद और मतभेदों का उन विवादों और मतभेदों का रोजगार गैर रोजगार रोजगार की शर्तों या किसी व्यक्ति के श्रम की शर्तों के साथ जुड़ा होना आवश्यक है क्या नियोक्ता के साथ विवाद किए बिना सरकार से की गई महज मांग औद्योगिक विवाद बन सकती है हम सभी जानते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम में जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को रेफर किया जाता है जो जो प्राधिकारी हैं सरकार के द्वारा उन प्राधिकारियों को रेफर किया जाता है और उसका निर्णय किया जाता है अगर किसी उद्योग में कोई विवाद अस्तित्व में नहीं आता है और बिना विवाद के अस्तित्व में आए हुए ही कर्मचारियों के संगठन ने ट्रेड यूनियन ने आ, सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन रखा और उसके माध्यम से सरकार ने अपनी संस्तुति दे दी कि इस मामले का निपटारा किया जाएगा प्राधिकारियों के द्वारा वो एक 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 श्रम न्यायालय हो सकता है राष्ट्रीय श्रम न्यायालय हो सकता है या फिर श्रम ट्रिब्यूनल हो सकता है तो ऐसे में एक प्रश्न उठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा कोई भी विवाद जो सरकार से की गई है और महज मांग के बिना तो क्या वह औद्योगिक विवाद बन पाएगी क्या नियोक्ता के साथ विवाद किए बिना सरकार से की गई महज मांग औद्योगिक विवाद बन सकती है अब अब इस प्रश्न को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर कर्मचारियों के संगठन द्वारा अपने नियोक्ता से कोई मांग की गई है और वह मांग अभी भी नियोक्ता के द्वारा अंडर कंसिडरेशन लिया गया है उस नियोक्ता उसको ध्यान में रखा होगा लेकिन नियोक्ता अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा है कि इस मांग को पूरा करना है या नहीं करना है और ऐसे में क्या हम यह कह सकते हैं कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कोई विवाद अस्तित्व में है सामान्यतः यह माना जाता है कि जब भी किसी मांग को नियोक्ता के द्वारा ठुकरा दिया जाता है तब वहाँ पर वह विवाद का रूप लेता है अगर आप मांग नहीं कर रहे हैं और उस मांग को ठुकराया नहीं जा रहा है तो यहाँ पर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में एक औद्योगिक विवाद होगा यह कह पाना कठिन होगा भारत में उन्नीस में सुप्रीम कोर्ट ने सिंधु पुनर्वास निगम लिमिटेड बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण के मामले में इसका जवाब नाम दिया और, और कोर्ट ने कहा कि जब तक मांग नहीं की जाएगी जब तक उस मांग को ठुकराया नहीं जाएगा तब तक एक औद्योगिक विवाद अस्तित्व में नहीं आएगा तो केवल किसी मामले का सरकार के द्वारा प्राधिकारियों को रेफर किया जाना जबकि वहाँ पर नियोक्ता से कोई मांग नहीं की गई थी तो ऐसे में औद्योगिक विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है ऐसे में औद्योगिक विवाद अस्तित्व में नहीं आता है इसी के साथ उन्नीस के एक महत्वपूर्ण मामले में जिसका नाम है शंभुनाथ गोयल वर्सेज बैंक ऑफ बड़ौदा इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परिभाषा को पढ़ने के लिए किसी औद्योगिक विवाद को अस्तित्व में लाने के लिए लिखित मांग की आवश्यकता परिभाषा को फिर से लिखने के समान होगी इसका तात्पर्य यह होगा कि हम मांग की बात तो करते हैं लेकिन यह मांग लिखित में हो प्रत्यक्ष रूप में हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आप प्रत्यक्ष में या फिर लिखित में मांग करें तभी एक औद्योगिक विवाद उत्पन्न होगा इसकी आवश्यकता नहीं है अर्थात अगर यह प्रूफ कर दिया जाए कि नियोक्ता के समक्ष एक 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 मांग रखा गया था वो लिखित था अलिखित था प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष था और उसको ठुकरा दिया गया है तब वहाँ पर एक औद्योगिक विवाद अस्तित्व में आता है मेसर्स विलेज पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले में 1993 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने की संपूर्ण पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों विभिन्न निर्णयों को सारांश के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि औद्योगिक विवाद का तथ्य जानने के लिए नियोक्ता के समक्ष मांग को उठाए बिना एक एक औद्योगिक विवाद अस्तित्व में नहीं आता इसके बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मांग को प्रबंधन के पास भेजा जाना चाहिए अर्थात जब भी कर्मचारी या फिर उनका समूह उनका ट्रेड यूनियन कोई मांग रखता है तो यह मांग जब तक नियोक्ता के समक्ष नहीं प्रस्तुत होगा तब तक नियोक्ता इस स्थिति में नहीं होगा कि वह बता पाए कि ये क्या मांग है और हम कहाँ तक इस मांग को पूरा कर पाएंगे तो ऐसे में जब भी कोई मांग होगी कर्मचारियों के की ओर से तो यह मांग नियोक्ता के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी न्यायालय ने यह भी कहा कि मांग लिखित और प्रत्यक्ष रूप से हो यह आवश्यक नहीं है मांग होनी चाहिए वह मांग लिखित में हो आवश्यक नहीं है वह मांग प्रत्यक्ष रूप में हो आवश्यक नहीं है। लेकिन वह मांग सूचित किया जाए नियोक्ता को यह आवश्यक है इसके साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि मौजूद या आशंका वाले विवादों को संदर्भित किया जा सकता है मतलब कि अगर एक औद्योगिक विवाद अस्तित्व में है तो ऐसे विवादों को और अगर केवल एक आ, आशंका है कि एक औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने वाला है तो ऐसे मामलों को भी सरकार प्राधिकारियों को संदर्भित कर सकता है अपना निर्णय देने के लिए जहाँ तक अस्तित्व में आए औद्योगिक विवादों की बात है तो यह तो आ, एक, एक, एक तथ्य है कि औद्योगिक विवाद अस्तित्व में है और उस विवाद को सरकार के द्वारा जो श्रम प्राधिकारी हैं उनको संदर्भित किया जा रहा है उसके निपटारे के लिए लेकिन जब हम केवल औद्योगिक विवाद के आशंका की बात करते हैं तो औद्योगिक विवाद के आशंका की स्थिति में अगर अगर वहाँ आशंका के आधार पर ही उस मामले को सरकार के द्वारा श्रम प्राधिकारियों को संदर्भित किया जाता है तो इससे हम केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारा कानून है वो औद्योगिक विवाद के निपटारे को लेकर के कितना सजग है अगर हमें यह आशंका होती है कि औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने वाला है और औद्योगिक विवाद उत्पन्न होगा तो संभवतः औद्योगिक शांति खतरे में होगी तो ऐसे में अस्तित्व में आए वह औद्योगिक विवाद अस्तित्व में आए उससे पहले उस औद्योगिक विवाद को रेफर कर दिया जाएगा संदर्भित कर दिया जाएगा श्रम न्यायालय को और मामले का निपटारा किया जाएगा यह एक उचित व्यवस्था है औद्योगिक विवादों के पक्षकार एक औद्योगिक विवाद निम्नलिखित के बीच का एक विवाद होना चाहिए नियोक्ता और नियोक्ता के बीच एक औद्योगिक विवाद हमेशा और हमेशा या तो नियोक्ता और नियोक्ता के बीच का विवाद है या फिर नियोक्ता और कामगार के बीच का विवाद है या फिर कामगार और कामगार के बीच का विवाद है इसका तात्पर्य यह हुआ कि सामान्यतः नियोक्ता और कामगार ही औद्योगिक विवाद के पक्षकार हैं इस औद्योगिक विवाद का पक्षकार कोई और संगठन या कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता है यहां पर नियोजन से उत्पन्न संबंध के जो पक्षकार हैं वही औद्योगिक विवाद के पक्षकार हैं और वो पक्षकार नियोक्ता और कामगार है सामान्यतः हम समझते हैं औद्योगिक विवाद नियोक्ता और कामगार के बीच का कर्मचारी के बीच का विवाद है हम यह भी सामान्यतः नहीं समझते कि एक औद्योगिक विवाद नियोक्ता और नियोक्ता के बीच का विवाद हो सकता है एक औद्योगिक विवाद कामगार और कामगार के बीच का विवाद होगा है सामान्य अर्थों में जो जो औद्योगिक विवाद के पक्षकार का संदर्भ दिया जाता है वह नियोक्ता और कामगार दिए जाते हैं अब एक प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई ट्रेड यूनियन औद्योगिक विवाद का पक्षकार है ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के बाद यह माना जाता है कि ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और एक उनका एजेंट के रूप में वो काम करता है एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है तो क्या ऐसे में एक ट्रेड यूनियन को औद्योगिक विवाद का पक्षकार माना जाए संभवतः ये हो सकता है कि कोई भी औद्योगिक विवाद कुछ मात्र कामगारों से संबंधित एक विवाद है दो चार छः कामगारों से संबंधित एक विवाद है उनके नियोक्ता के द्वारा और यह विवाद इस विवाद का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है एक ट्रेड यूनियन के द्वारा तो अब इस विवाद में वास्तव में पक्षकार कौन है वह ट्रेड यूनियन या फिर वह कामगार जिनका वहाँ पर विवाद है परिभाषा में औद्योगिक विवाद में पक्षकार के रूप में ट्रेड यूनियन का उल्लेख नहीं है कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि ट्रेड यूनियन औद्योगिक विवाद का पक्षकार है जब ट्रेड यूनियन कोई विवाद उठाता है किसी विवाद का प्रतिनिधित्व करता है तो यह माना जाता है कि यह श्रमिकों को विवाद यह श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और श्रमिकों को विवाद में पक्षकार माना जाता है तो तो श्रमिक ही वो पक्षकार हैं जो जो जिनका विवाद उत्पन्न हुआ है जो विवाद के पक्षकार हैं केवल और केवल उसका प्रतिनिधित्व ट्रेड यूनियन के द्वारा किया जाता है ट्रेड यूनियन को आप किसी भी विवाद का पक्षकार ना माने तो ज़्यादा अच्छा है हाँ अगर पक्षकार उसके कर्मचार हैं कर्मकार हैं या कर्मचारी हैं तो कर्मचारियों का अपना संगठन उनका ट्रेड यूनियन उस विवाद का प्रतिनिधित्व कर सकता है अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट उसके निपटारे के इसके साथ ही साथ औद्योगिक विधि औद्योगिक विवाद अधिनियम में यह भी बताया गया है कि कौन कौन से आ, आ, लोग विवाद औद्योगिक विवाद के पक्षकार नहीं हैं इसमें पहला है सरकार और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान जो भी सरकार और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान के बीच का विवाद है वह विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है या फिर ऐसे पक्षकार औद्योगिक विवाद में शामिल नहीं माने जाते हैं कामगार और गैर कामगार के बीच में अगर कोई विवाद है तो ऐसे में यह विवाद एक औद्योगिक विवाद नहीं है क्योंकि दोनों पक्षकार वो पक्षकार नहीं हैं जिसकी बात धारा टू कर के इस परिभाषा में किया गया है अगर कर्मचारियों का गैर कर्मचारियों के साथ कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह किसी भी तरह से एक औद्योगिक विवाद नहीं होगा कर्मचारियों का कर्मचारियों के साथ अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह विवाद एक एक औद्योगिक विवाद माना जाएगा लेकिन अगर उनका गैर कर्मचारियों के साथ कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे किसी भी दशा में औद्योगिक विवाद नहीं माना जाएगा या फिर ऊपर अगर देखें तो सरकार और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान की आप बात कर रहे हैं अगर किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का कोई विवाद है सरकार के साथ तो यह विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है भारत में विजय कॉटन मिल्स का केस है उन्नीस का जब भारत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पास किया और यह बताया कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों में जो न्यूनतम मजदूरी कर्मकारों की होगी वह सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएगी और जितने नियोक्ता हैं नियोक्ता को वह न्यूनतम मजदूरी भुगतान करना पड़ेगा तो इसको लेकर के ढेर सारे नियोक्ताओं ने उनके संगठनों ने सरकार से एक विवाद उत्पन्न किया सरकार के अगेंस्ट एक एक, एक, एक विवाद में गए और और अंततः सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि नहीं जो न्यूनतम मजदूरी का की संकल्पना है यह कर्मगारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संकल्पना है और ऐसे में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारित किया जाना उनके हित के लिए आवश्यक है और हम उसको इस इस अधिनियम को संवैधानिक घोषित करते हैं तो ऐसे में सरकार और नियोक्ताओं के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ वह किसी भी संदर्भ में एक औद्योगिक विवाद नहीं था वह विवाद एक जो आपका पब्लिक लॉ है उसके तहत एक संगठन और सरकार के बीच का एक विवाद है औद्योगिक विवादों का विषय औद्योगिक विवाद किन चीज़ों से संबंधित होंगे उनका विषय क्या होगा औद्योगिक विवाद होने के लिए कोई भी विवाद रोजगार या गैर रोजगार से जुड़ा होना चाहिए या फिर किसी भी व्यक्ति के रोजगार की शर्तें या श्रम की शर्तों से जुड़ा होना चाहिए रोजगार या गैर रोजगार अगर किसी नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को नियोजन का एक प्रस्ताव दिया जाता है और अंत में उस प्रस्ताव के अधीन उस कर्मचारी का नियोजन नहीं किया जाता है तो यहाँ पर जो विवाद उत्पन्न होगा वो रोजगार से संबंधित विवाद होगा और अंततः अगर किसी कर्मचारी का नियोक्ता के द्वारा छटनी किया जाता है या फिर उसकी सेवा की शर्तों को समाप्त किया जाता है उसका नियोजन समाप्त किया जाता है तो ऐसे में उस, उस नियोजन की समाप्ति के बाद वह जो कर्मकार है वह गैर नियोजित है और अगर वह विवाद उत्पन्न करता है कि उसका जो नियोजन समाप्त किया गया है वह विधिक नहीं था तो जो विवाद उत्पन्न होगा वह गैर रोज़गार से संबंधित एक विवाद होगा इसी के साथ ही साथ औद्योगिक विवाद को एक ऐसा विवाद होना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति के रोज़गार की शर्तों या श्रम की शर्तों से संबंधित हो किन शर्तों के अधीन कर्मचारियों को नियोजन में लाया गया क्या उन शर्तों का पालन किया जा रहा है क्या उन शर्तों के अधीन आ, नियोजन की गतिविधियों को चलाया जा रहा है अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पर जो रोजगार की शर्तें हैं उस शर्तों का पालन ना होने के कारण विवाद उत्पन्न हो सकता है या फिर जो श्रम की शर्तें हैं किस स्थिति में श्रम का आ, योगदान देना है उस 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 शर्तों को पूरा नहीं किया जा रहा है तो ऐसे में भी एक औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है पश्चिम भारत ऑटोमोबाइल्स बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण के मामले में उन्नीस में संघीय न्यायालय ने कहा कि धारा टू का में प्रयुक्त अभिव्यक्तियां व्यापक आयाम की हैं और परिभाषा को पूरी तरह से व्यापक बनाने के लिए उन्हें एक साथ रखा गया है यहाँ पर जो चार बातें हैं इस वाक्यांश में श्रम की स्थितियाँ इतना व्यापक है कि इसमें रोजगार की शर्तें के साथ साथ बेरोजगारी के जुड़े हुए मामले या फिर अभिव्यक्ति रोजगार की शर्तों में रोजगार या गैर रोजगार से संबंधित मामले शामिल हैं तो जो आपका ये डेफिनेशन है जो परिभाषा है औद्योगिक विवाद का यह परिभाषा अपने आप में एक विस्तृत परिभाषा है औद्योगिक विवादों के विषय में अगर हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें तो एक एक प्रश्न है कि क्या पदोन्नत पद पर स्थायीकरण की मांग धारा टू क के अंतर्गत रोजगार की शर्तों या श्रम की स्थिति से जुड़ा विवाद होगा क्या इसे एक औद्योगिक विवाद माना जाएगा क्या है यह विवाद औद्योगिक विवाद की विषय वस्तु है और दूसरा प्रश्न यहाँ पर है क्या संघ की सदस्यता को लेकर दो ट्रेड यूनियनों के बीच विवाद एक औद्योगिक विवाद है तो जहां तक प्रथम प्रश्न की बात है यहां पर जो मांग की जा रही है किसी कर्मचारी के द्वारा अपने पदोन्नत प्रदुन, पद प्रद पर स्थायीकरण की मांग वह उसकी रोजगार की शर्तों से जुड़ा हुआ एक मामला है और ऐसे में यह एक विवाद औद्योगिक विवाद बनेगा दूसरी तरफ अगर प्रश्न दूसरे प्रश्न को हम देखें तो संघ की सदस्यता को लेकर के अगर दो ट्रेड यूनियनों के बीच में एक विवाद है तो यह विवाद किसी भी परिस्थिति में एक औद्योगिक विवाद नहीं बन पाए इसकी जो विषय वस्तु है दो ट्रेड यूनियनों के बीच में संघ की सदस्यता को लेकर के विवाद यह विवाद औद्योगिक विवाद की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं होता है और इसलिए इसको हम औद्योगिक विवाद की श्रेणी में नहीं रखेंगे इसके बाद चौथा बिंदु है वह बिंदु है औद्योगिक विवादों की उत्पत्ति और औद्योगिक विवादों की उत्पत्ति के पश्चात अगले व्याख्यान में हम लोग उद्योग का परिभाषा देखेंगे और साथ ही साथ एक व्यक्तिगत विवाद को औद्योगिक विवाद से अंतर करने का प्रयास करेंगे औद्योगिक विवादों की उत्पत्ति औद्योगिक विवाद की परिभाषा के अंतिम भाग में आने वाली अभिव्यक्ति किसी भी व्यक्ति का दायरा विवाद का विषय रहा हुआ है किसी भी व्यक्ति किसी भी क्या किसी भी व्यक्ति का तात्पर्य यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति से है जो नियोजन में नहीं है जो कामगार नहीं है यदि इसका शाब्दिक अर्थ लगाया जाए तो इसका अर्थ प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के व्यक्तियों से हो सकता है किसी भी व्यक्ति में एक एक, एक विधिक पर, व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकता है दूसरी तरफ यदि इसका संकीर्ण रूप से व्याख्या किया जाए तो अभिव्यक्ति किसी भी व्यक्ति की तुलना केवल कर्मकार से की जा सकती है तब अब ऐसे में इस अभिव्यक्ति का एक एक अर्थान्वयन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे इस औद्योगिक इस विवाद की उत्पत्ति को समझने के लिए या फिर इसके आयाम को समझने के लिए किसी भी व्यक्ति ये जो अभिव्यक्ति है इसके दायरे के संबंध में एक मत नहीं रहा हुआ है प्रारंभ से ही तीन मते तीन मतों का यहाँ पर अस्तित्व रहा हुआ है कि जो किसी व्यक्ति शब्द का यूज किया गया अभिव्यक्ति का यूज किया गया है धारा टू का की परिभाषा में वह किसके लिए है तो एक मत यह कहता है कि किसी व्यक्ति का तात्पर्य वह व्यक्ति कर्मकार है या नहीं है किसी व्यक्ति से तात्पर्य केवल एक व्यक्ति से है और यह देखते हुए कि वह व्यक्ति कर्मकार है या नहीं है दूसरी तरफ जो दूसरा मत है वह है व्यक्ति शब्द को कर्मकार के समान समझा जाए दूसरा मत यह कहता है कि जो किसी व्यक्ति शब्द का यूज़ किया गया है इस अव्यक्ति का यूज़ किया गया है परिभाषा में वह केवल उनके लिए यूज किया गया है जो कर्मकार के समान है मतलब जो कर्मकार हैं अगर अगर आप पहले मत को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है वह व्यक्ति कर्मकार है या नहीं है किसी व्यक्ति में वह व्यक्ति कर्मकार है या नहीं है इससे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है हम उसको औद्योगिक विवाद के परिभाषा में सम्मिलित करेंगे और औद्योगिक विवाद को अस्तित्व में मानेंगे लेकिन दूसरे मत का ये मानना है कि नहीं किसी व्यक्ति शब्द का जो अर्थान्वयन है वो हमेशा और हमेशा एक कर्मकार के समान समझा जाए अर्थात किसी व्यक्ति से तात्पर्य यहाँ पर एक कर्मकार से है और जो तीसरा मत है वह ये कहता है संबंधित व्यक्ति को अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत कर्मकार होने की आवश्यकता नहीं है अर्थात तीसरा मत यह मानता है कि वह एक व्यक्ति है वह कर्मकार है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप उसके विवाद को औद्योगिक विवाद मानेंगे या फिर उसके रोजगार उसके रोजगार उसके रोजगार की शर्तों उसके श्रम की शर्तों से जुड़ा हुआ विवाद एक औद्योगिक विवाद माना जाए इस तरह से जो जो किसी व्यक्ति अभिव्यक्ति का यूज हुआ है परिभाषा में यह किसी व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है इसने हमेशा एक चुनौती पैदा की है और तीन मतों का यहाँ पर अस्तित्व रहा हुआ है अगर हम इन तीनों मतों को देखें तो अंत में यह पाते हैं कि जब तक हम इन तीनों मतों में से कौन सा मत सर्वोच्च है या या प्रमुख है इसको नहीं आ, समझ पाते हैं तब तक यह नहीं समझ पाएंगे कि औद्योगिक विवाद की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है तो औद्योगिक विवाद की उत्पत्ति होने के लिए उसका कर्मकार होना भी आवश्यक है सामान्यतः देखा यह जाता है कि अगर एक विवाद उत्पन्न होता है तो अगर वह विवाद एक औद्योगिक विवाद है तब औद्योगिक विवाद अधिनियम वहाँ पर लागू होगा और उस विवाद का निपटारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाएगा अगर प्रारंभ में ही यह स्थापित कर दिया जाए कि जिस व्यक्ति के साथ विवाद था वह व्यक्ति कर्मकार नहीं है और हम इस धारणा पे विश्वास करें कि एक औद्योगिक विवाद हमेशा और हमेशा कर्मकार के साथ एक विवाद होता है तो ऐसे में वह विवाद एक औद्योगिक विवाद नहीं बन पाएगा और, और किसी भी विवाद को औद्योगिक विवाद न ठहराए जाने के लिए नियोक्ता अपना पूरा प्रयास करता है एक अगर एक औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है तो प्रारंभ में नियोक्ता यह स्थापित करने का प्रयास करेगा कि वो जो व्यक्ति है वह कर्मकार नहीं है और अगर वह व्यक्ति कर्मकार है उसके अगेंस्ट कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है या फिर आप उसे स्थापित नहीं कर पा रहे हैं कि वह कर्मकार नहीं है तो ऐसे में नियोक्ता का यह प्रयास हो सकता है कि वह यह स्थापित कर दे कि वह जो विवाद है वो औद्योगिक विवाद नहीं है अर्थात वह विवाद रोजगार गैर रोजगार सेवा की शर्तों या फिर आ, आ, श्रम की शर्तों से जुड़ा हुआ नहीं है और इसलिए वह एक औद्योगिक विवाद नहीं है हमें समझना यहाँ पर यह है कि आ, समझना यह है कि औद्योगिक विवाद आ, अगर एक विवाद औद्योगिक विवाद है तो उस विवाद का निपटारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के द्वारा किया जाएगा और अगर एक विवाद औद्योगिक विवाद है तो वहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप होगा उस विवाद का निपटारा किया जाएगा और उस निपटारे के माध्यम से वर उस, उस निपटारे के माध्यम से जो कर्मचारी या कर्मगार हैं उनके हितों की रक्षा की जाएगी अगर उस विवाद को एक औद्योगिक विवाद न माना जाता है तो ऐसे में कर्मचारियों या फिर कर्मगारों के हितों का संरक्षण किया जाना कठिन होगा तो ऐसे में एक 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 दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि जब भी औद्योगिक विवाद शब्द का को परिभाषित किया जाए तो एक बहुत ही आ, आ, एक एक लिबरल अप्रोच लेकर के इस शब्द को परिभाषित किया जाए जिससे कि अधिकतम विवादों को औद्योगिक विवाद की परिधि में ला करके कर्मचारियों और कामगारों को इसका संरक्षण दिया जाए और उनके हितों का प्रोटेक्शन हो सके सारांश के रूप में हम कहते हैं हमने इस व्याख्यान में औद्योगिक विवाद के अर्थ और परिभाषा को समझा औद्योगिक विवाद क्या होता है और उस औद्योगिक विवाद के क्या क्या बिंदु हैं कब एक विवाद औद्योगिक विवाद होता है कब किन के बीच का विवाद औद्योगिक विवाद होता है औद्योगिक विवाद के पक्षकार क्या हैं साथ ही साथ हमने यह भी समझा कि औद्योगिक विवादों के तथ्य क्या हैं कैसे औद्योगिक विवाद अस्तित्व में आने के बाद इसको निपटारे के लिए रेफर किया जाता है तो औद्योगिक विवाद अस्तित्व में कब आता है और क्या केवल आशंका मात्र ही औद्योगिक विवाद के अस्तित्व को सम्मिलित करता है क्या केवल आशंका के आधार पर औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए या फिर उसको संदर्भित करने के लिए सरकार आगे बढ़ सकती है साथ ही साथ हमने औद्योगिक विवादों के पक्षकारों को जाना कौन औद्योगिक विवाद का पक्षकार है क्या कोई विवाद सरकार के साथ कोई विवाद है स्टेट के साथ राज्य के साथ कोई विवाद है किसी उद्योग का तो क्या वह विवाद एक औद्योगिक विवाद माना जाएगा क्या अगर ट्रेड यूनियन का आपस में कोई विवाद है तो वो विवाद एक औद्योगिक विवाद माना जाएगा या फिर क्या ट्रेड यूनियन औद्योगिक विवाद का एक पक्षकार है औद्योगिक विवाद का पक्षकार ट्रेड यूनियन है या फिर ट्रेड यूनियन केवल और केवल कर्मकारों का एक प्रतिनिधित्व या एजेंट के रूप में काम करता है यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके साथ ही साथ हम लोगों ने औद्योगिक विवादों के विषय को समझा कौन कौन से विषय हैं जो औद्योगिक विवाद में सम्मिलित हैं जहां हमने देखा कि औद्योगिक विवाद वो विवाद है जो रोजगार से संबंधित रोजगार से संबंधित सेवा की शर्तों से संबंधित या या फिर श्रम की शर्तों से संबंधित होता है और विषय में जो संबंधित जो, जो अन्य विषयों से संबंधित विवाद को औद्योगिक विवाद नहीं माना जाता है अंत में हमने यह देखा कि औद्योगिक विवाद की उत्पत्ति पर विभिन्न मत क्या हैं कब औद्योगिक विवाद उत्पन्न माना जाता है या कहाँ से औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है ऐसे में हमारे लिए आवश्यक यह हो जाता है समझना यह हो जाता है कि कब एक विवाद उत्पन्न होता है और उसके लिए जो वहाँ पर परिभाषा में किसी भी व्यक्ति अभिव्यक्ति को सम्मिलित किया गया है उसका क्या अर्थान्वयन होगा उसका क्या निर्वचन होगा इसको सावधानी पूर्वक समझने की आवश्यकता है इसी के साथ इस इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले व्याख्यान में हम उद्योग शब्द की परिभाषा को लेकर के प्रस्तुत होंगे और उसी के साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि एक औद्योगिक विवाद एक व्यक्तिगत विवाद से कैसे अलग है धन्यवाद